Welcome to my physics class. Today I will discuss the charging by induction. It is the part of electrostatics, and this will be my fifth lecture on this unit. And it is useful for other topics and concept. It is very concept based topic. तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या करते हैं. Simply हमारे पास कुछ process है. हम लोग क्या करते हैं, first step में हम लोग यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेते हैं जो प्योरली नेगेटिवली चार्ज है ये, और एक न्यूट्रल बॉडी लेते हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़ा सा दूर रखते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखते हैं. और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये एक इंसुलेटेड स्टैंड लेते हैं. अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जितना न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना नेगेटिव चार्ज होता है. मान लेते हैं कि इस तरह से है. हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इन दोनों को वेरी क्लोज कर देते हैं, तो लेकिन टच नहीं करेंगे. ये कंसेप्ट रहेगा कि टच नहीं करना है हम लोगों को, ये इस तरह से हो जाएगा. इसको हम बॉडी ए मान लेते हैं, इसको बॉडी बी मान लेते हैं. ये ए हो गया, ये बी हो गया. अब देखिए यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं. हम लोग के पास नेचर भी था कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो देखिए यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को ये रिपेल कर देता है. ये हमारा सेकेंड स्टेप. थर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड में हम लोग जब जाते हैं तो थर्ड में हम लोग इसको अर्थिंग करते हैं. तो अर्थिंग कैसे किया जाता है, सो देखिए आप लोग, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज रॉड है और ये न्यूट्रल बॉडी. अब देखिए ये नेगेटिव है. अब हम लोग क्या करते हैं यहां से इसको जब अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग का कंसेप्ट क्या, अर्थ का कंसेप्ट क्या है कि ये यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकता है और ये दे भी सकता है. कभी ये लोअर पोटेंशियल के जैसा भी बिहेव करता है, कभी हायर पोटेंशियल के जैसा बिहेव करता है. अब यहां देखिए ये लोअर पोटेंशियल जैसा बिहेव कर रहा है. यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल के यहां पर, यानी नेगेटिव चार्ज, कहने का मतलब है दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज अर्थ को जाता है. जितना नेगेटिव चार्ज अर्थ को जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं. इस तरीके से ये हमारा जो है बॉडी जो ए हो गया, ए हमारा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज. और बॉडी बी जो हो गया आफ्टर इंडक्शन, ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज. अब हम देख सकते हैं यहां पर कंडक्शन में क्या होता था कि सेम चार्ज होता था. एक बॉडी में अगर पॉजिटिव है तो दूसरे बॉडी में भी पॉजिटिव आता था, एक बॉडी में नेगेटिव है तो दूसरे बॉडी में भी नेगेटिव आता था. लेकिन यहां पर क्या है, यही याद रखना है कि हमारा इंडक्शन में अगर एक में नेगेटिव है तो दूसरे में फाइनली हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया. अगर एक में पॉजिटिव होता तो दूसरा में भी नेगेटिव आता. ये हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन. अब हमारे पास कुछ कंसेप्ट है यहां पर, वो हम लोग देख लेते हैं इसी से रिगार्डिंग, और वेरी सिंपल है और आगे के टॉपिक में समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग देखते हैं कि अगर कोई चार्ज यहां पर है हमारा, इस तरह से देखते हैं, प्लस क्यू चार्ज. ये थीन स्फेरिकल सेल है, थीन सेल है ये हमारा. अगर यहां पॉइंट ए लेते हैं और इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट बी लेते हैं, तो यहां पर अगर चार्जिंग हम लोग देखना चाहते हैं तो व्हाट विल बी चार्ज ऑन ए एंड बी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, यहां पर हमारे पास इंडक्शन होगा. क्या हो जाएगा, यहां पॉजिटिव अभी पढ़ाए, पॉजिटिव का जस्ट पॉजिटिव यहां क्या हो जाएगा, ए के पास, ए के पास हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्यू हो जाएगा. क्योंकि ये वेरी थीन है, इसलिए जो ये जो लेयर्स जो इतना थीन है कि जो इनर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो आउटर का भी प्रॉपर्टी वही होगा, इसलिए B पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव Q हो जाएगा. यानी अगर यहां पॉजिटिव Q है तो यहां पर नेगेटिव Q होगा, यहां पर भी नेगेटिव Q होगा. लेकिन यही जस्ट अगर हम लोग यहां पर कुछ इस तरह से थोड़ा सा ठीक लेते हैं सेल में, और यहां पर हमारे पास प्लस Q है, यहां पॉइंट A है इनर फेस में, आउटर पोस्ट में पॉइंट B है, तो देखिए ये थिकनेस है, प्रॉपर्टी चेंज होगा. अगर यहां पर हमारे पास पॉजिटिव है तो यहां पर ए के पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर नेगेटिव क्यू होगा, और इसके जस्ट अपोजिट बी के पास हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडक्शन, तो पॉजिटिव Q
क्यू होगा। ये हमारा इंडक्शन बाय चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन का ये छोटा सा एग्जांपल है, और ये यूज होता है गॉसस थ्योरम में भी हम लोग देखते हैं, या बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने के दौरान हम लोग इसको देखते हैं। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, एंड माय नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर 6 विल बी बेस्ड ऑन चार्जिंग बाय रबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।